मंडी जिला के सदर उपमंडल के तहत आने वाले सांबल गांव का 22 वर्षीय नितेश आपदा का दंश कुछ इस कदर झेल रहा है कि उसे घायल मां के उपचार के चलते अपनी बहनों सहित अस्पताल में शरण लेनी पड़ी है। पत्नी, बहन और बेटी अभी तक लापता हैं। तो मां का 3 बार ऑपरेशन करके टांग को घुटने से ऊपर तक काटा जा चुका है। पिछले 28 दिनों से घायल मां मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचाराधीन है, तो नितेश और उसकी 2 बहनें भी यहीं पर शरण लिए हुए हैं। बता दें कि बीते 14 अगस्त की सुबह सांबल गांव में नितेश के घर पर नाले का भारी मलबा आने के कारण नितेश का घर मलबे में पूरी तरह से दब गया। साथ में 18 वर्षीय पत्नी मोनिका, 17 वर्षीय बहन रविता और 6 माह की दुदमुही सानिया भी इस मलबे में दब गई। अभी तक लापता पत्नी, बहन और बेटी के शवों का कहीं कोई पता नहीं चल सका है। वहीं नितेश अब इस बात को लेकर परेशान है कि जब मां को अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी तो उसे कहां लेकर जाएगा, क्योंकि ना तो घर बचा है और ना ही जगह बची है। नितेश ने सरकार और प्रशासन से उसे सुरक्षित आसरा देने की गुहार लगाई है ताकि वो अपनी घायल मां को वहां पर रख सके। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। उसमें बादल फटा था और मेरा घर दब गया। उसमें हम 7 लोग थे, उसमें 2 घायल है, मम्मी जी है मेरे और सिस्टर है घायल थे, हम 2 सेफ हैं और मेरी एक मिसेज, एक बेटी मेरी, एक सिस्टर, वो अभी तक दबे है, उनका रेस्क्यू चला है, प्रशासन तो हेल्प कर रहा है। तीसरी बार ऑपरेशन हुआ है संडे को और उनका यहाँ पाँव कट दिया है ऊपर से, अब तीसरी बार इन्फेक्शन फैल रहा था, अब तो ठीक है फिलहाल। तो हम रह रहे तो हॉस्पिटल में ही है, डेली मैं अप डाउन करता हूँ, 26 दिन हो गए मेरे को अप डाउन डेली करता हूँ, हॉस्पिटल में ही रहते हैं फिलहाल। तो मेरी यही सरकार से ही विनती है, मतलब मेरे को रहने का जल्द से जल्द किया जाए, ज़मीन का भी दिलाया जाए मेरे को जल्द से जल्द, और मेरे को रहने के लिए दिक्कत होगी, हॉस्पिटल से छुट्टी होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बर्बाद है सब कुछ। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।